नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बीके चौधरी। डॉक्टर साहब पटना पीएमसीएच में रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा ये जनरल फिजिशियन भी है, पटना के जाने माने जनरल फिजिशियन है। तो वो आपको आज डॉक्टर साहब से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, खास के डायबिटीज़ के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए, शुगर के मरीज अमूमन कई रोग धर लेते हैं, तो सबसे पहले उनका शरीर खोखला होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले शुगर पेशेंट को कौन कौन से अंग पे प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से अंग उनका खोखला होना शुरू हो जाता है? देखिए, शुगर जो है कि लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस होता है, इसके चार ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हार्ट पर असर पड़ता है, ब्रेन पे, आँख पर, आँख की रोशनी पे, खासकर रेटिना पे, और किडनीज पे। तो ये चार इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुगर को पेशेंट में आप अक्सर आप देखिएगा कि बहुत लोग साइलेंटली डेथ हो जाता है, सडन अटैक हो जाता है। तो पूछते हैं हम लोग, पहला सवाल डायबिटिक था क्या? तो डायबिटिक पेशेंट्स में कोरोनरी ब्लॉकेट हो रहा है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेट हो रहा है, पेशेंट का जो वार्निंग सिग्नल्स निकल रहा है, डेंजर सिग्नल्स, पेन, पसीना, वो नस पर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो गई, नस पे चीनी चढ़ गया, तो इसकी वजह से उसको सिग्नल नहीं मिल रहा और उसके अंदर हार्ट डैमेज होता चला जा रहा है, उसको पता नहीं हो रहा है, उसकी रोशनी घटते जा रही है या उसको आँख में कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग आजकल क्या बोलते हैं कि नहीं, एवरी सिक्स मंथ्स तुम अपने आँख के डॉक्टर से उसको हम लोग फंडोस्कोपी करा के आँख दिखवाते हैं हर डायबिटिक पेशेंट को। किडनी का हम लोग हर 6 महीने पर रिव्यू कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट में सिंपल ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन नहीं, उसके अलावा भी कुछ टेस्ट है जो माइक्रो टेस्ट है कि किडनी अगर अर्लीएस्ट स्टेज में पकड़ लिया है डायबिटीज़ से, तो यूरिन में वो उसके उसका उसका कुछ आना शुरू हो जाता है, यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो हम लोग करा के यूएससीआर करके पता पकड़ लेते हैं कि किडनी डैमेज होना शुरू हुआ है कि नहीं, या आजकल सिस्टैटिन सी टेस्ट है वो बहुत पहले बता देता है कि किडनी डैमेज हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये और कभी भी मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन, डायबिटीज़ अकेला नहीं आता, साथ में या तो कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा या ब्लड प्रेशर भी रहेगा या और भी कई कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं साथ में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हाई बीपी भी रह रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जा रहा, तो और रिस्क फैक्टर डबल होता गया, क्वांटिफाई बढ़ता जाएगा और उसमें ब्रेन में बाद में स्ट्रोक हो सकता है, सीवीए हो जाएगा, स्ट्रोक होता है, तो ऐसे सिचुएशन में दैट इज़ आल्सो वेरी डेंजरस। इसीलिए शुगर को कंट्रोल करके हम लोग रखना बहुत ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ऐसा सांप है जो आपके अंदर वो आपको फन काट के खड़ा है, वो आपको काटना ही काटना है। खासकर ये चार और ऑर्गनों पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट और किडनी और आईज और ब्रेन को पकड़ना ही, बाकी तो स्किन और बोन। डायबिटीज़ कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी भी अवयव को पकड़ सकता है, लेकिन इन चारों को सबसे ज़्यादा पकड़ता है। इसलिए डायबिटीज़ में हम लोग का मशवरा ये होता है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल रखो, आइदर बाय फिजिकल एक्टिविटी, बाय डाइट, बाय ड्रग्स, बाय इंसुलिन, लेकिन कंट्रोल रखो, अदरवाइज तुम खोखला हो रहे हो अंदर अंदर, तुम्हारे हाथ के अंदर ब्लॉकेट हो रहा है, तुम्हारा किडनी बैठ रहा है, तुम्हारे आँख की रोशनी जा रही है, तुमको स्ट्रोक कभी भी हो सकता है। इसलिए डायबिटीज़ को बिल्कुल लोगों को समझाना चाहिए, उनको 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 बार बार ये बताना चाहिए कि डायबिटीज़ बहुत डेंजरस है, उसको कंट्रोल कर करो। हाँ डॉक्टर साहब, ये हमारे दर्शक पूछते हैं, जो एक डायबिटिक पेशेंट अमूमन 6 महीने पे कौन सा टेस्ट करवा ले, जैसे आपने बताया किडनी का, आँख का, तो कौन सा टेस्ट वो करवा ले ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? हाँ, इसमें कई प्रोफाइल होते हैं डायबिटिक प्रोफाइल में, जैसे हम लोग बेसिकली पहले शुगर तो कराते ही रहते हैं हम लोग, उसके अलावा साथ में कोलेस्ट्रॉल जरूर, लिपिड प्रोफाइल, एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल कराते हैं आजकल। जैसे उसमें इंडियंस में कोई खासकर कुछ खाल कोलेस्ट्रॉल बहुत गड़बड़ होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ होता है, एलडीएल एलपीए बढ़ा हुआ होता है, एलपीए ये खास इंडियंस में ज़्यादा होता है, बाकी एचडीएल लो होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लो होता है। तो एवरी सिक्स मंथ हम लोग लिपिड प्रोफाइल जरूर कराएंगे। डायबिटीज़ की वजह से किडनी पर असर पड़ा तो आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट से पूरा हम लोग वही पता चल जाता है कि हम लोग किडनी पर कितना किडनी पर असर पड़ा है कि नहीं। ईसीजी कराते हैं एवरी सिक्स मंथ, तो ईसीजी में तो 50% केस में ही ब्लॉकेट पकड़ाता है, हम सारे में तो होगा नहीं, लेकिन रूटीनली कराते रहने से क्लिनिशियन समझता है कि नहीं इसको चेस्ट पेन हुआ या कोई और सिम्टम आया, तो ईसीजी से नहीं पता चला तो हम टीएमटी करा के देखेंगे, इको कराएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ भेजेंगे,
और यूरिन का टेस्ट हम लोग कराते रहते हैं, इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसलिए मोटा मोटी 6 मंथ्स पे होल बॉडी प्रोफाइल का टेस्ट डायबिटीज़ में ज़रूरी है, खासकर 3-4 चीज़ पे ज़रूरी है, ECG, किडनी फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल और उसके अलावा यूरिक एसिड भी आजकल नया एक रिस्क फैक्टर्स आ गया है। यूरिक एसिड का भी टेस्ट बराबर डायबिटीज़ के साथ कराना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे जो अगर आपको शुगर हो जाए तो आपका शरीर खोखला होना शुरू हो जाता है, ये तो तय है, लेकिन आप समय समय पर 6 महीने पे इन्होंने कहा है आप टेस्ट करवाएं, आप अपने आँख का टेस्ट करवाएं, किडनी का टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं, इन सब चीज़ कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएं, हार्ट का टेस्ट करवाएं, इन सब चीज़ों का टेस्ट करवा के आप अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं और साथ में साथ आप दवा लेते रहें, इंसुलिन लेते रहें और शुगर को कंट्रोल रखें। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें Facebook पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।